अबे सो गए कह रहे? अरे जब अपना धंधा ही सो गया तो मैं जाके क्या करूं? देखो लुका पट्टा, एक तो टांग पर टांग डाला, ऊपर से हिला भी रहा है। ये मेरी टांग है, मैं इसको हिलाऊं या नचाऊं तुमसे मतलब है? और नहीं हिलाऊंगा तो लोग मुझे मरा हुआ समझ के शमशान घाट में पटक आएंगे। आपको नहीं मालूम ये गांव वाले किस बुरी तरह से हमारे मरने का इंतजार कर रहे हैं? वहां लाइन लगी, दुश्मनों की नगरी कितनी आबाद है, मेरी दुकान कब्रिस्तान की तरह बर्बाद है। अबे देख वो दुकान देख, कितनी भीड़ है अपनी दुकान में, तो महीने भर में भी इतने लोग जमा नहीं हुए जितने वहां पर जमा हुए। ओह क्या मेला लगा है, लगता है दूसरे गांव के लोग भी वहां पर आ गए। क्यों ना हो भाई, जब असली चीज हो सस्ती हो तो भीड़ तो लगेगी ही, और पछतावे क्या होता है जब मिलावट की चिड़िया चुग गई खेत। अबे नमक हराम, मैं तेरा मालिक हूँ, मालिक की बर्बादी पे ऐसा गाना गाया जाता है? आहे का मालिक, धंधा तो चल नहीं रहा, हालत ऐसी खराब है कि मारने के लिए मक्खियां तक नहीं है, और मालिक बने की धौल से मारे हो। अरे तुम्हारे ग्राहक मेरी हिलती हुई टांग देखकर भाग गए कि तुम्हारी मिलावट देखकर? हाँ बेटा बोल ले, जब आदमी का वक्त बुरा होता तो मरे हुए कुत्ते से डर लगता है, तू तो फिर भी जिंदा कुत्ता है। अभी देख वो आदमी, देख वो आदमी कितनी जल्दी अपनी दुकान की तरफ आ रहा है। आज कोई फंसा, बहुत दिनों बाद कोई ग्राहक फंसा। उठ उठ उठ, स्वागत है, खुशामदीद, भले पधारो, आ जाओ मेरे बाप, दुकान पर मत जाइए। अरे भाई साहब कुछ भी खरीद लीजिए, हम दोनों ने दो दिन से कुछ भी नहीं खाया। ये देखो पेट खाली है। माचिस 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 बीड़ी जलाना है? हमारी दुकान में सब कुछ सस्ता मिलता है। इमली 2 रुपया, मूंग की दाल 3 रुपया, तुअर की दाल 1 रुपया, गेहूं सस्ता, गुड़ और मुफ्त में, ये भी रख लो। कोई जरूरी नहीं, जल्दी नहीं जल्दी नहीं, पैसे बाद में, कुछ भी कुछ भी ले लो, उधार भी मिलेगा। अरे छोले, अबे कुछ तो ले जा, ये आया मांगा जलाया फूका और चल दिया हरामखोर। अगर यही हाल रहा तो इस दुकान को बंद करके दूसरे किसी गांव में हमको भीख मांगने के लिए जाना पड़ेगा, क्योंकि इस गांव में तो हमको भीख भी नहीं मिलेगी। और सुनिए सेठ जी, ये जो जेवर आपने पहन रखा है ना, इसको गिरवी रखने की नौबत आने वाली है। अच्छा ये बताइए, ये सोना तो असली है कि इसमें भी मिलावट है? अबे तू चुप कर, नहीं तो मार मार के तेरा मुंह चटा की तरह चपटा कर दूंगा। देखो सेठ, मुंह संभाल कर बात करो, पगार तो देते नहीं हो, धोस देते हो। अरे आज तुम सेठ हो मगर तुम्हारी हालत बता रही है कि तुम थोड़े दिनों में कर्जदार बनने वाले हो, उसके बाद नौकर बन जाओगे। मेरा क्या है, मैं तो नौकर था, नौकर हूं और नौकर ही रहूंगा। मेरे लिए 50 दरवाजे खुले हैं, तुम्हारे लिए तो खुद का दरवाजा बंद हो गया है। तू नहीं और सही, और नहीं और सही, मुझे तुम्हारी नौकरी की जरूरत नहीं। और सहकारी दुकान वाले, तुमको एक पुड़िया बांधने वाले की जरूरत है ना, मैं आया। अरे नहीं 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 नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था। देखो अरे बैठो मालिक बैठो, नाराज हो गए क्या? हेलो, वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज 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 लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और हाँ कमेंट करके जरूर बताएं ये वीडियो आपको कैसी लगी। धन्यवाद।